हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। एंड देखिए फ्रेंड्स, आज हमने रेड कलर की ये पोशाक बनाई है माता रानी के लिए। फर्स्ट नवरात्रिज को हम ये रेड कलर की पोशाक बनाएंगे। एंड ये जो है ये कॉटन फैब्रिक से मैंने येलो कलर के फ्लावर्स बनाए हैं, हैंडमेड है, खुद ही बनाए हैं मैंने, और चोली को इसमें अटैच किया है। एंड ये मेरी चुंदड़ी मैंने बनाई है माता रानी के लिए, ये देखिए इस तरह से टक करेंगे माता रानी को। थोड़ी मैंने छोटी बनाई है क्योंकि ऊपर से हम जो है रेड कलर की चुनरी अलग से उड़ाते हैं माता रानी को। तो ये वीडियो, ये ड्रेस हम बनाएंगे आज, तो इसका मेजरमेंट देखेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, वो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना। और कैसी लग रही है वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं इसका मेजरमेंट क्या है। ये देखिए, ये मैंने 10 इंच लिया है लंबाई में, और चौड़ाई में यहाँ पर मैंने 8.5 लिया है, यानी 10x8.5 का मैंने रेड कलर का फैब्रिक लिया है। इस तरह से देखिए, इसमें ना हम एक एक इंच पर बारीक बारीक सी यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। बारीक बारीक कपड़ा उठा कर देखिए, इस तरह से बारीक बारीक बिल्कुल हमें कपड़े पर सिलाई लगानी है, एक एक इंच के गैप पर, ठीक है। और पहले ही, सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं दोनों साइड से इनको सील रही हूँ, सिलाई लगा रही हूँ, मतलब दोनों साइड से किनारी सील रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, बारीक बारीक सी एक एक इंच के गैप पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत बारीक सी लगानी है। ये मैंने यहाँ पे साटन का फैब्रिक लिया है, थोड़ी सी चमक है इसमें। ये देखिए, इस तरह से हमें क्या करना है, बारीक बारीक सी सिलाई लगानी है। देखो, दिखा रही हूँ मैं। और ये पूरे कपड़े पे, पूरे पे फैब्रिक पे हमने यही सिलाई लगानी है, तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से हमें पूरे फैब्रिक पर लगानी है, तो लगा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने लगा दी है, लास्ट मेरी रह गई है यहाँ पे। इस तरह से बहुत बारीक बारीक देखो मैंने सारे में लगाई है। और ये भी लग गई मेरी ये सिलाई। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है और लहंगे के लिए माता रानी की कटिंग करनी है। ये देखिए, हमें ना लंबाई में रखनी है ये, तो इसलिए हमें इस तरह से हमें फोल्ड करना है सीधा, क्योंकि लंबाई में रखनी है ना, तो हमें ये सीधा इस तरह से फोल्ड करना है। लंबाई में रखकर इनको इस तरह से रखना है। और हमें क्या करना है, ऊपर से मार्क करूँगी मैं इस पर। यहाँ से देखिए, ऊपर से हम मैंने थोड़ा सा आधा पौन इंच मैंने रखा है ऊपर, और यहाँ पर ये मैंने 4 इंच पर मैंने मार्क कर दिया। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें क्या करनी है, गोलाई दे देनी है, 1/2 इंच, 1/4 इंच है ये, 1/4 इंच पर मैंने यहाँ गोलाई दी है। और कमर की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है। एंड ये देखिए, यहाँ मैं 4/4 इंच पर गोलाई दे दूँगी। 4/4 इंच पर गोलाई देकर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखो, मैंने कटिंग कर ली है। गोलाई में यहाँ कमर की कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ी सी मैं यहाँ शेप दे दूँगी। यहाँ से देखिए, थोड़ी सी मैंने इस तरह से शेप दे दी है। अब ये पूरी लहंगे की शेप आ गई है हमारी। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे ना बुकरम कट कर लेते हैं, लहंगे के हिसाब से मार्क कर लेंगे इस तरह से, कपड़े को रख के इस तरह मार्क करके, और फिर हम यहाँ पे बुकरम की कटिंग कर लेंगे। तो मैं कर लेती हूँ कटिंग अब। ये देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। आप चाहो तो पेपर पेस्टिंग ले सकते हो। मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है, और मैं इस बुकरम को अब
कपड़े के साथ अटैच कर दूंगी। यहाँ पे मैं सिलाई के साथ अटैच करूंगी। अगर पेपर पेस्टिंग आप लेते हैं तो आपको सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, प्रेस से वो पेस्ट हो जाता है। तो अब ये मैंने जो रिबन लिया है मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दूंगी। इससे तीनों साइड ऊपर लगाऊंगी और दो साइड की साइडों में लगाऊंगी। मैं नीचे मैं लेस लगाऊंगी, ये मैं दिखाती हूँ कौन सी लेस लगा रही हूँ। ये वाली देखो, ये मेरे पास कलरफुल लेस है और ये वाली लेस मैं नीचे लगाती हूँ, तो लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लगा लिया है, ऊपर लॉक कर दिया है, साइड में भी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये येलो कलर के फ्लावर्स बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से ये येलो कलर का चौड़ाई एक स्क्वायर पीस लिया है, ये 2.5 इंच का है, यानी कि 2.75 का। ये देखिए 2.75 है ये दोनों साइड से, और थोड़ा सा छोटा बड़ा हो तो भी चल जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो बस थोड़े बड़े फ्लावर्स बन जाएंगे, छोटे होंगे तो थोड़े छोटे फ्लावर्स बन जाएंगे। इस तरह से हमें देखो फोल्ड करना है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ, ये ईजिली हो जाता है क्योंकि कॉटन का फैब्रिक है। तो ये देखिए पहले इस तरह से फोल्ड किया, उसके बाद इस तरह से हमने फोल्ड कर देना है, एक ट्रायंगल की शेप दे देनी है, ये देखिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सुई से इनको टक करेंगे और फ्लावर्स बनाएंगे। यहाँ मैं सुई ले लेती हूँ। अब ये देखिए सुई में मैंने थ्रेड डाल रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ बंद की साइड से मैं ले रही हूँ इस तरह से करके, और हमें थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से टाका मारना है। ये देखिए इसी तरह से पूरे में करना है। और हमने थ्री पत्ती का फ्लावर्स बनाया है, यहाँ पे थ्री लीव से ही बनाया है, ये डाल दिया। और इसी तरह से मतलब मैं तीनों को एक साथ ही डालकर बना लूँगी, और बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले फ्लावर्स। और आप किसी भी क्राफ्ट पर बना सकते हैं, कोई DIY बनाएं, कोई बच्चों के लिए स्कूल में कोई क्राफ्ट बनाना है उस पर भी ये वाले फ्लावर्स ना बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो मैंने तीनों फ्लावर्स को कर लिया है इसी तरह से, बहुत इजी है ये फ्लावर्स बनाना। एंड ये देखिए इस तरह से तीनों पत्ती मैंने कर ली है। अब मैं थोड़ा सा इसको खींच दूँगी, यहाँ पर तीनों में मैं लगा दूँगी एक बार और, मतलब मैं निकाल देती हूँ सुई। और ये देखिए खींच दिया मैंने इसको, देखो उल्टा सीधा दोनों साइड से बहुत प्यारा लगता है, किसी भी साइड से उल्टा बना सकते हो, सीधा बना सकते हो। ये देखो इसमें भी मैंने एक बार और पूरे में निकाल दी है सुई को, और ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर्स बन गया है। अब मैं यहाँ से दो टाँके में लगा देती हूँ बंद करने के लिए। और इस पर मैं वाइट कलर का मोती लगा दूँगी, दिखाती हूँ अभी मोती। ऊपर मैं ले आऊँगी सुई को यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैं मोती लगा दूँगी। ये देखिए ये वाला मोती है, ये हाफ़ है, वाइट में है, हाफ़ है ये। इसको आप चाहो तो ग्लू गन से लगा सकते हो, मतलब ग्लू से लगा सकते हो जो भी आपके पास हो, और सुई से भी आप इसको टक कर सकते हो। तो मैं यहाँ सुई से टक करूँगी, आप जैसे मर्जी चाहें लगा सकते हो। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है ये मोती इस पर टक करके। तो देखो है ना बहुत इजी। अब मैं इसको कटिंग कर देती हूँ, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और इजी भी है। और इसी तरह के देखो मैंने यहाँ पे दो और बना रखे हैं, तो इस तरह से मैं इनको यहाँ पे टक कर दूँगी लहंगे पर, बहुत प्यारा लगेगा। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना कमेंट करके। ये मैंने जो ये फैब्रिक इसी में से बचा हुआ था
वही मैंने चुंदड़ी के लिए ले लिया है। इसे मैं पटका बनाऊंगी माता रानी के लिए। और देखिए ये इस तरह से मैं करके चारों साइड इस पर लैस लगा दूंगी। देखिए इस तरह से हमें लैस लगानी है। तो चलिए मैं आपको लैस लगा कर दिखाती हूँ। लगा कर हम दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये मैंने लगा दी है लैस। और अब मैंने चोली के लिए यहाँ पे फैब्रिक लिया है। ये मैं मेज़र करके दिखाती हूँ कितना है। ये देखिए ये मैं इंच टेप लिया और 8.5 इसकी लंबाई है। और इस तरह से ये 2 इंच है, 8.5 × 2 इंच है। और ये मैं इस तरह से हमें फोल्ड करके, और यहाँ पे ना मैं जो मैंने लहंगा जिससे लॉक किया है ना वही वाला रिबन मैं लगा दूँगी। दोनों साइड लगाऊँगी इस तरह से, इधर भी और उधर भी। ये रिबन ना थोड़ा फोल्ड हुआ रखा था तो इस तरह से हो रखा है, प्रेस करेंगे तो सही हो जाएगा। देखो मैंने लगा दिया है दोनों साइड। और इसको बीच में से कट कर दूँगी, यहाँ हमें ये कट कर देना है दोनों साइड से, बीच में से। और इस तरह से अब हमें ना ये वी शेप हमें बनाना है। वी शेप हमें रख के, ये देखो इस तरह से रख के हमें ना सिलाई कर देनी है। ये मैं यहाँ पे देखो लहंगे में अटैच कर दूँगी और हमारी ड्रेस हो जाएगी तैयार। तो आपको ड्रेस कैसी लगी आप ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर करना।